हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। और सुबह का समय है और सुबह के बजे हैं 7:30 हो रहे हैं। और मेरी अनुष्का चली गई है स्कूल, और उसके लिए आज हमने लंच में बनाए थे बथुए के पराठे, क्योंकि इसके पापा कल बथुआ लेकर आए थे तो उसको बथुए के पराठे बना दिए हैं। और वो शायद आज जल्दी आएगी। वो बोल रही थी कि मेरा आज हाफ डे है तो वो जल्दी आएगी, वो शायद 1:30 या 2 के आसपास अनुष्का आ जाएगी। तो मैंने अभी क्या है कि झाड़ू लगा ली है और घर का संगवा दिया है, जैसे कि कपड़े बिस्तर वगैरह जो इधर उधर हो रहे थे वो सारे मेरे हो गए हैं। और उधर मेरा टीवी चल रहा है जिसकी तरफ मैं बार बार देख लेती हूँ, गाना आ रहा है बहुत अच्छा, लेकिन अभी मैं उसका वॉल्यूम नहीं खोल सकती क्योंकि फिर आपको पता ही है ऐसे फिर मेरी भी आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए तो मैं उधर देख लेती हूँ बार बार। तो ये मेरा काम हो गया है, झाड़ू और संगवाना, ये तो मेरा हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ बाहर की तरफ झाड़ू लगाने के लिए। और किचन वगैरह काम मेरा अभी नहीं हुआ है, मुझे किचन का भी काम करना है, उसके बाद मुझे कपड़े वगैरह उधर वॉशरूम की तरफ भी थोड़ा काम करना है, साफ़ सफाई करनी है। तो मैंने सोचा अब वीडियो को बना लिया जाए और स्टार्ट करेंगे जब भी वीडियो बनेगी, अगर नहीं करेंगे तो फिर बनेगी कैसे, तो वही सब है। और अब मैंने ये वाली सूती चुन्नी ओढ़ ली है अपनी, ये वाली, क्योंकि मुझे थोड़ी पता नहीं कि गर्मी सी लग रही थी आज। कार्डिगन तो मैंने पहन रखा है लेकिन मैंने शॉल और कैप अपना उतार दिया है, मैंने कहा इसको उतारे देते हैं, तो वो तो मैंने रख दिया है। और अब चलते हैं उधर बाहर की तरफ झाड़ू लगाने के लिए। जो मेरा बाहर का एरिया है वो रह गया है थोड़ा सा। और उधर आज क्या हुआ है कि जूली ने मेरा मतलब थोड़ा सा नुकसान कर दिया है। उसने क्या किया है कि उधर मेरी फुलवाड़ी लगी हुई थी गमलों में, तो वो उधर की साइड में ही रात को उसको छोड़ देते हैं। तो उसने क्या किया कि मेरी सारी फुलवाड़ी एक गमले वाली जो मैंने लगा रखी है उसको पता नहीं खोद खोद करके उसने सारी ही बेकार कर दी, सारी मिट्टी बाहर निकाल दी। और मुझे उस पर आया बहुत गुस्सा, तो झूली पर आया मुझे बहुत गुस्सा, क्योंकि उसने मेरा, मैंने इतने दिन से उसके मेहनत की थी अपनी फुलवाड़ी के साथ और उसने बेकार कर दी। फिर उसने, उसके पापा ने, अनुष्का के ने, और अनुष्का ने वो रात को ही सही कर दी थी, लेकिन अभी मिट्टी वगैरह उधर पड़ी है तो मैं सोच रही हूँ उधर की भी साफ़ सफाई कर दूँ और फिर आगे के बाद काम करेंगे तो झाड़ू मेरी हो जाएगी कम्प्लीट। यही सब है, तो चलते हैं। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ बैक कैमरे से कि उसने क्या किया है, अभी दिखाती हूँ, चलते हैं बाहर की तरफ। आ गए हैं बाहर और धूप आ रही है, धूप निकल चुकी है। देखिए सारे में उसने खोद करके मिट्टी फेंक दी थी, ये वाली, ये सारी मिट्टी पड़ी हुई है। और एक ये वाली फुलवाड़ी है मेरी और एक ये एलोवेरा है, उधर मेरी तुलसा जी हैं, और उसने ये वाली कर दी है बेकार। ये देखिए सारी खोद दी, और अनुष्का ने ये रात ही लगा दी थी लेकिन अभी सही नहीं लगी है, तो इसको मैं करूँगी, खुद से ठीक करूँगी। पहले यहाँ पर झाड़ू लगाकर इस कचरे को फेंक देते हैं, उसके बाद इसमें पानी देंगे सारे पौधों में और फिर चलेंगे और काम पर। तो पहले लगाते हैं इधर से झाड़ू। ये मैंने कचरा सारा इकट्ठा कर लिया है, कचरा क्या है, मिट्टी या पत्ते से तो मैंने उधर भरकर फेंक दिए हैं, तो मैं सोच रही हूँ इस मिट्टी को इसी में डाल दूँ, फुलवाड़ी में ही डाल दूँ, ठीक रहेगा। तो ये मिट्टी मैंने इसमें ही डाल दी है, तो अब मैं जा रही हूँ अंदर और अंदर से लाती हूँ पानी और इन तीनों पौधों में डाल दूँगी, तीनों चारों में छुट्टी फिर। और ये भर रही हूँ मैं यहाँ पर पानी जो कि मुझे पौधों में देना है, एक बार तो मैं दे आई हूँ और ले जाती हूँ अभी। ये देखिए मैंने भर लिया है और चलते हैं पौधों की तरफ। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी सब में डाले देते हैं। ये मेरा एलोवेरा बहुत अच्छा सा हो रहा है मेरा, और
तुलसा जी में भी डाल दिया है। वैसे तो हम तुलसा जी में जल वगैरह देते हैं तो काफ़ी रहता है पानी, लेकिन मैंने फिर भी डाल दिया है। तो यही सब है। और ये देखिए, ये रखा हुआ है मेरा बथुआ, जो कि मैंने अनुष्का के लिए पराठे बनाए थे और ये धो करके रख दिया था, अब अपने भी बना लेंगे। और मैं आटे में मिक्स कर कर कच्चे का ही सोच रही हूँ, क्योंकि इतना बथुआ नहीं है कि इसको उबालूँगी तो बहुत थोड़ा सा हो जाएगा, तो फिर हो नहीं पाएगा, इसलिए इसको कच्चे को ही काट करके ऐसे ही बना लेंगे। अच्छे लगते हैं ऐसे भी, कई तरीके से बन जाते हैं, तो आज हम ऐसे ही बनाएंगे कच्चे के। और इधर देखती हूँ, दूध मेरा हो गया है। मैं इसको गैस को ऑफ कर दूँगी, कभी ये निकल जाए, और दोबारा चला दूँगी बाद में गैस को, तो उससे अच्छे से इस पर मलाई वगैरह अच्छे से आ जाएगी। तो इसको बंद करती हूँ, इसको बंद कर देती हूँ यहाँ पर। और पहले सोच रही हूँ किचन को ही साफ़ कर लूँ, किचन की ही कर लूँ साफ़ सफाई, बाद में करूँगी। और इसमें ये आटा बचा हुआ है, हम उसका को पराठे बनाए थे, इसी में मिक्स करके आटा और बथुआ इसी में मिक्स करके और पराठे बन जाएंगे हमारे। तो वही सब है। तो गेट को कर देती हूँ मैं बंद इधर, और पहले करते हैं किचन का काम। गेट बनी हूँ, अभी बर्तन वगैरह इकट्ठे, जो कि एक आधा दो बर्तन इधर उधर रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सब ने चाय पी थी, तो यहाँ पर भी रखे हुए हैं बर्तन रूम में, और इसमें थोड़ी सी चाय भी है। तो मैं सोच रही हूँ बर्तन वगैरह साफ़ करके उसके बाद थोड़ी सी चाय मैं भी और पी लूँगी, क्योंकि मैं दो बार चाय ले लेती हूँ नहाने से पहले, और फिर खाना वगैरह खाती हूँ नहाने के पूजा करने के बाद। तो वही सब है, ये कर लेती हूँ बर्तनों को इकट्ठा। और उधर मैं जाती हूँ वॉशरूम की तरफ, उधर मेरी रोड लगी हुई है, तो एक बाल्टी पानी मेरा गर्म हो गया होगा, इसलिए उसको बदल करके आती हूँ। वहाँ पर जा रही हूँ मैं, तो ये तो मैंने बदल दी है बाल्टी पानी की, इधर मशीन भर दी है चाबी। ये यहाँ पर मैंने बथुआ उसी में उसमें परात में काट दिया है, उसी में थोड़ा सा आटा था, इसी के ऊपर आटा छान लेंगे, इसी में मिक्स करके
और अपने पराठे बना लेंगे। तो ये तो मैंने काम निपटा दिया, मैंने कहा वो और घिरा रहता है एक बर्तन, इसलिए वो खाली करके इसमें काट के रख दिया। और इधर मैंने कर दिए हैं सारे बर्तन साफ अपने, एकदम बर्तन साफ हैं। ये मैंने सिंक वगैरह सब मैंने साफ़ कर दी है और किचन हो गई है एकदम कंप्लीट मेरी। और मैं इसमें से एक कप ले लेती हूँ क्योंकि मैं पी लेती हूँ पहले चाय, कटोरी में पी लूँ क्योंकि पूजा वगैरह करनी है अभी, तो इसमें अपनी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद करूँगी आगे का काम। ये रही मेरी चाय, इसमें कर ली है मैंने अपनी, और इसको जब साफ़ कर दूँगी जब मैं चाय पी लूँगी। और अब मैं जा रही हूँ रूम में, पहले चाय पी करके आती हूँ, और आप भी पी लीजिए, जिस जिसको चाय पीनी है आ जाइए, सब मेरे साथ चाय पी लो। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, चाय वगैरह मैंने पीने के बाद में उसके बाद मैं लग गई अपने काम पर और मैंने लगाया पोछा। पोछा मेरा सारा घर में सारे में लग गया है, एकदम बढ़िया तरह से लगा दिया है। और काम 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 ख़त्म करते करते सारा दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। क्या करें, सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं तो सोचते हैं चलो सुकून से सो जाएं, और सुबह को उठते हैं तो फिर दोबारा से काम शुरू। जिन कामों को हम निपटा कर सोते हैं फिर दोबारा से शुरू से ही वही काम शुरू हो जाते हैं। तो क्या करें, ये तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी के साथ सारे काम चलते ही रहेंगे, करना पड़ेगा और करते रहेंगे। और ऐसे थाली बैठ कर भी क्या है, थाली बैठ कर भी मन नहीं लगता, तो काम तो ज़िंदगी के साथ हैं, चलते रहेंगे। और मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बात कर ली जाए, वीडियो का एंड कर लिया जाए। मैं इस वीडियो का करूँगी एंड। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।